Nadia, from batch 5, under the mentorship of Sir Asad Mirza. Sir, you are the most successful person and enabling so much people through this platform. Sir, I want to know that which is the best criteria for success? Please, sir, 2 lines. Ji ji, please. अच्छा, पहले तो ये बात है कि ये जो बात अचीवमेंट की है ना, ये तो अल्लाह का करम है, इंसान का अपना कोई कमाल नहीं है। और उसमें जहाँ तक मैंने यही तो अभी तो आपको बताया ना कि सक्सेस जो है वो दुनियावी लिहाज से सक्सेस को, इसको थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आंसर, इस वजह से मैं जो सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मैं बताता हूँ आपको। लेकिन पहले इसको ये देख लीजिए कि ये कोई भी अचीवमेंट दुनियावी है या जो भी है, उसमें इंसान ये नहीं कह सकता कि मैंने ये किया या मैंने वो किया। ये मैंने पहले भी बताया कि ये हो ही नहीं सकता। अपने लिहाज से हर कोई कोशिश कर रहा होता है और वो करते भी रहना है। उसके लिहाज से ये अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी कि लोगों के लिए कोई हेल्प की जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिहाज से अगर आप देखें, अगर मैं कहूँ कि कोई बंदा कहता है जी सक्सेस का क्या एक फार्मूला क्या था, तो फार्मूला दुनियावी लिहाज से जो मैं ये कहूँगा वो ये है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कैसे है कि जहाँ भी आपको पता चल रहा है ना, जिधर भी पता चल रहा है कि ये देर इज़ अ फ्लॉ इन इट, चाहे उसमें 1% चांस भी इम्प्रूवमेंट का है ना, यू डू इट। जैसे कोई भी हमें एग्जांपल, कोई भी हमें फीडबैक आती है, कोई सपोर्ट आती है, कहीं से भी आ रही है, वी टेक इट वेरी सीरियसली। वो ऑब्वियसली हर एक को सेटिस्फाई करना इज़ नॉट दैट ईजी, लेकिन जो उसमें कंसिस्टेंसी है कि कोई भी पॉइंट है उसके लिए इम्प्रूवमेंट आपकी हर वक्त रहती है, किसी भी मोमेंट पर, चाहे दीनी या दुनियावी। अगर इंसान ये कह दे कि बस आई एम डन, वह ख़त्म हो गया, तो वो भी ख़त्म हो गया। वो जैसे वो जो मछली वाली एग्जांपल थी, अब थ्रू आउट द लाइफ एक्टिव रहना है, और एक्टिव रहने के लिए वो कुछ चैलेंज, कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपने सबको इनेबल करना, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है ना, जिसके लिए आप सारी ज़िंदगी भी काफ़ी नहीं है। इसी तरह इंसान जब कोई भी लेके जाता है, वो कहता है कि मैंने अगर ये ऑब्जेक्टिव बना लिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज जो है वो पूरी दुनिया में पहुँचाना है, तो इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव है उसके लिए। फिर देखें ना, वो जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है उतना ही उसका वो रिज़ल्ट भी होता है और उतनी ही उसकी अचीवमेंट भी होती है। और अपना विजन, अपना ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे ना बनाएं, बड़ा रखें, और अल्लाह से मांगें, बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव मांगें, जो भी आपके दिल में, अल्लाह से मांगें। जैसे वो बता रहे थे मुझे, बड़े ज़बरदस्त अब मेरे जहन में आ गई, वो एक आलिम के पास गए तो उनको बताया कि मैं बड़े बड़े मुल्क फिर के आया हूँ, मैं तबलीग के सिलसिले में मैं इधर गया हूँ, मैं उधर गया हूँ। तो उनका क्वेश्चन क्या था, तुम्हें अल्लाह से मांगना आ गया, मुझे ये ना बताओ कहाँ फिरे हो। अल्लाह से मांगना आया, अल्लाह से मांगते हो अल्लाह दे देता है, अल्लाह से मांगना आया कि नहीं आया, ये नहीं देखें। सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन एक क्रस्ट है ना कि जो भी करना है आपने, वो पूरा एक वो पिक्चर है एक्चुअली। यानी एक सिंपल, आप एक सिंगल स्टेप में आप बात नहीं कर सकते। दुनिया और आखिरत की सक्सेस तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलने से ही है। आप ये नहीं कह सकते, वही जैसे मैंने कहा ना कि पैसा आया तो अल्लाह का करम नहीं है। देखें, दुनिया पैसा आया तो अल्लाह का करम नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक इम्तहान है। अल्लाह दे के भी इम्तहान लेता है, ना दे के भी इम्तहान लेता है, तो दोनों सूरतों में इम्तहान ही है ना। तो पता नहीं कब बारी आ जाए, राइट? बंदा तो हर वक्त तैयार रहे ना, हर लिहाज से। यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये भी नहीं कि वही जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि वो इंसान दूसरी तरफ चला जाए, मैं वो 1,00,000 दफ़ा पढ़ूंगा, सारी चीज़ें छोड़ के बैठ जाए, ठीक है जी बस कोई समझ नहीं आ रही, सारा कुछ छोड़ दिया। बैलेंस्ड हर तरफ वो सारा को, वो अब जब एक आप अमल कर रहे होते हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं, तो अल्लाह हर चीज़ को आसान करता है। मैं कहता हूँ ये करके तो देखें, ये इतना ज़बरदस्त वो यकीन जब इंसान के दिल में आता है ना, वो यकीन ही तो है जो आपको ड्राइव करता है, और उसके साथ आपका वो पैशन है, वो विजन है। वो विजन को जब आप लेके चलते हैं तो वो अचीव हो जाता है। अब वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट, आज जब फॉर एग्जांपल अमेज़न नंबर 1 पे है, मतलब तो वो क्या सस्टेनेबल, उसको सस्टेन भी तो करना है ना। अब वो अचीव हो गया, लेकिन क्या हुआ, अब ख़त्म, अब तो खा कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे इसकी एक और मैं आपको बात बताऊँ, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़, सबसे अच्छा कोई भी ले लें, आप कहें ये फॉर एग्ज़ाम्पल वो दुबई का बुर्ज है, वो जो मैं उसकी ऑनरशिप लेंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बात कर रहा हूँ, यानी एक हर बंदे का एक अपना टारगेट होता है ना, अपने लिहाज से आपने मैक्सिमम मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया, और एक दिन आपको मिल गया वो,
अब जो रिसर्च कहती है ना, रिसर्च ये कहती है कि उसकी जो एक्साइटमेंट है ना किसी भी मटेरियल चीज़ की, कितना महीना, डेढ़ महीना, दो महीना, मैक्सिमम तीन महीने, तीन महीने से ज़्यादा उसकी एक्साइटमेंट हो ही नहीं सकती। वर्सेस आपने किसी की हेल्प की होगी, आपने किसी को इतना इनेबल किया होगा, किसी के लिए कोई एफर्ट की होगी, वो आपको सारी उम्र याद रहेगी और उसकी एक्साइटमेंट हमेशा रहेगी, ओ यार वो तो बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन मटेरियल चीज़ की वो हो ही नहीं सकती। ये तो रिसर्च कह रही है, तीन महीने तो खैर मैंने अपने लिहाज से बताया, वो रिसर्च कह रही है, लेकिन मेरे ख्याल में तो बहुत जल्दी हो जाता है। आप कोई भी चीज़ को ले आए, अपने घर में ले आए, कोई नया बना लें, नया कर लें, उसके बाद वो आप यूज्ड हो जाते हैं, देख देख के मैक्सिमम महीना लगेगा। माँ कहेंगे यार तो ये तो वही, ये तो मेरी रूटीन लाइफ है, ये तो मैं ऐसे ही था, ऐसे तो नहीं था ना, लेकिन ये दैट्स हाउ इट इज़ एक्चुअली।